Hey guys, please subscribe IAS with Kojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑप्शनल। बहुत ही खूबसूरत ऑप्शनल है ये और एक ऐसा कंटेम्प्रोरी ऑप्शनल है जहाँ पर आप समाज के नियमों, उसके चलने की जो प्रक्रिया है, समाज में आने वाली जो जटिलताएं हैं, उसमें होने वाले विरोधाभास हैं और उनके जो हल हैं उसके विषय पर एक व्यापक अवधारणा आप रखते हैं। अगर हम बात करें समाजशास्त्र सिलेबस की तो इसमें भी दो पेपर, पेपर वन और पेपर टू, जहां पेपर वन समाजशास्त्र के मूल सिद्धांतों, चिंतकों, पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं, जाति व्यवस्थाओं, चाहे आपका लिंग भेदभाव, ये एक व्यापक अवधारणा रखता है, उसके सिद्धांतों की बात करता है। वहीं पेपर टू भारतीय समाज, भारतीय समाज के सिद्धांतों, भारतीय समाज की जटिलताओं और आने वाली चुनौतियों जो है और उसके सम्मुख जो भी हमारे पास इस समय समसामयिक विषय हैं उनके बारे में बात करता है। चाहे वो नारी के खिलाफ होने वाली हिंसा हो, चाहे वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो, चाहे वो जाति आधारित विभाजन हो, तो जो हमारे समाज में फैब्रिक है और भारतीय समाज चूंकि एक बहुत सांस्कृतिक समाज रहा है, इसका फैब्रिक जो है वो बहुत ही विविध रहा है और ऐसी कंडीशन में समाज के जो विषय हैं, समाज की जो बातें हैं वो समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी कंडीशन में समाजशास्त्र एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शनल बनता है और लगातार आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसके लिए कौन सी पठनीय पुस्तकें हैं, कौन सी जो है महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो आइए आज आप मैं उन किताबों के बारे में बात करता हूं जो इस समाजशास्त्र के सिलेबस को आप पूरा करने में आपको मदद करेगी। अगर हम ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे तो पहली जो किताब है जहां पर आप अपना बेस तैयार करते हैं, इसके सिद्धांतों की एक परिपाटी तैयार करते हैं, वो है समाजशास्त्र का विवेचन, डॉक्टर नरेंद्र सिंधी की किताब है ये। दूसरा है भारतीय समाज का स्वरूप, ठीक है, जो हमारे पेपर टू के लिए हम जाते हैं जब, तो भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है शुरुआती समय से लेकर अभी तक के समय तक, ये किस रूप में इसमें परिवर्तित होता रहा, इसका आउटपुट कैसा निकल कर आ रहा है और इसमें आपस में क्या जटिलताएं हैं, तो इस विषय में डॉक्टर सीताराम झा की जो किताब है वो एक आपको वृहद, एक व्यापक जो है वो आधार देती है इसको समझने के लिए। तीसरी किताब है सामाजिक समस्याएं, क्योंकि समाज है तो समाज एक बहुत जो है वो परतीय एक व्यवस्था होती है जिसमें लगातार कई परतें एक दूसरे के साथ बनी होती हैं, इन परतों में निरंतर संघर्ष भी बना रहता है और कई बार ये एक साथ चलती हुई प्रतीत होती हैं और जब इनकी गतिकी एक समान नहीं होती है तो इनमें घर्षण होना संभव है। तो ऐसी कंडीशन में भारतीय सामाजिक समस्याएं जो है उनके लिए किताब है राम आहूजा, बहुत ही प्यारी किताब है, एक बहुत ही व्यापक आपको दृष्टिकोण देती है, चाहे हमारे यहाँ दहेज प्रथा की बात हो, बाल विवाह की बात हो, जाति प्रथाएं हो, ये तमाम लिंग आधारित भेदभाव हो, जो हमारे सामने इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं उन पर एक व्यापक दृष्टिकोण ये आपको देती है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक आती है भारतीय समाज की, जो कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, जो भारतीय समाज का एक जो है वो व्यापक दृष्टिकोण यहाँ पैदा करती है, विषय के साथ आपका यहाँ लगाव ये जो है जोड़ती है। इसी तरह की भारतीय समाज की एक बुक एनबीटी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट पे आती है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस किताब को पढ़ना। अगला है ग्रामीण समाजशास्त्र, क्योंकि ग्रामीण परिवेश एक जटिल और सरल दोनों चरित्रों के साथ ये होता है और ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए ओपी दहिया की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है ये भी, जो आपके आपको बेस बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला है राजनीतिक समाजशास्त्र, ठीक है, क्योंकि समाज और राजनीति ये एक दूसरे को प्रभावित निरंतर करते चले आते हैं, कई राजनीति समाज को और समाज जो है राजनीति को प्रभावित करती है और ऐसा हम मूलतः अपने समाज में तो मुख्य रूप से देखते हैं, सभी समाजों में ऐसा होता है। तो उसके लिए डॉक्टर धर्मवीर की किताब है राजनीतिक समाजशास्त्र के नाम से, ये किताब बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगी। अगला है समाज दर्शन के मूल तत्व, समाज दर्शन के मूल तत्वों की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली अगर आप हम इसमें अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दर्शन जो होता है, फिलॉसफी जो होती है और जो चिंतन होता है वो समाज के जो है वो डीपर में रहता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जहां हमें अत्यधिक बौद्धिकता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दर्शन को समझना एक अमूर्त चीज़ को देखने के समान होता है कई बार। तो रामजी सिंह की किताब है जिन्होंने सरल भाषा में इस दर्शन को जो है प्रस्तुत किया है। इसके बाद अंत में इग्नू की जो बुकलेट्स आती हैं, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनकी जो बुकलेट्स हैं समाजशास्त्र के लिए बहुत ही अच्छी किताबें होती हैं, बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण ये रखती हैं और अगर स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, तो इग्नू की किताबों को जरूर अपने अध्ययन का जो है आधार बनाएं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से समाजशास्त्र को प्रिपेयर करने में आपको काफ़ी मदद मिली होगी। ध्यान ये आपको ये रखना है कि जो सेकेंड पेपर है वो बहुत कंटेम्प्रोरी होता जा रहा है, समसामायिक होता जा रहा है, सो कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, पीआईबी के जो डॉक्यूमेंट है और जो समाचार पत्रों में समाज से संबंधित जो भी नियम आ रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं वो आपको हर हालत में पता होनी चाहिए। तो ये जो कंटेम्प्रोरी मैगजीन है वो ज़रूर आप पढ़ें,
ठीक है, समाज से जुड़ी जो भी चीजें आ रही है वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि पेपर टू में जो भी प्रश्न बन रहे हैं भारतीय समाज को लेकर वो बहुत ही समसामायिक चल रहे हैं, जो भी विवाद उठ रहे हैं वहीं से वो क्वेश्चन उठाकर बना रहे हैं। तो उम्मीद है इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जल्दी ही हम समाजशास्त्र पे एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, उम्मीद है इससे आपको काफी जो है वो मदद मिल सकती है। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए और सशक्त बने रहिए, क्योंकि जीतना आपकी नियति है और आप जीतने के लिए बने हैं। धन्यवाद।